नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिस्पिरेशन के बारे में कि रिस्पिरेशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ रिस्पिरेशन, सबसे पहला हमारे ये कि हम जानेंगे कि रिस्पिरेशन होता क्या है। तो अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ डिपेंड मेनली ऑन देयर हैबिटेट और एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसका मतलब समझते हैं कि कोई भी एज अ प्रोसेस जो लिविंग थिंग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किसके हेल्प से, फूड के हेल्प से। अब वो ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है। फिर विच इज़ डिपेंड मेनली हैबिटेट एंड लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ये रिस्पिरेशन कैसा हो रहा है वो उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। हैबिटेट में हमारा जलवायु आता है कि हम किस जगह पे कैसे रह रहे हैं, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था अलग अलग फाइलम होते हैं, वैसे ही अलग अलग उस हिसाब से रिस्पिरेशन होता है। तो जैसे कि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट के उस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा स्पर्म उसके हैबिटेट हैं और उसके रिस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो हम इसमें मेनली ह्यूमन मैमेलिया के बारे में पढ़ेंगे जिनका रिस्पिरेटरी ऑर्गेन जो है वो लंग्स होता है। ग्लूकोज से पैरोविक एसिड, ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है और पैरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये एनारोबिक और एरारोबिक में सिंपल कॉमन होते हैं। फिर हम जाते हैं इसके पहले पार्ट पे जो कि इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि ईस्ट में होता है विदाउट ऑक्सीजन। 2 कार्बन कंपाउंड रहता है इथेनॉल और 1 कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में निकलता है। फिर 3 कार्बन कंपाउंड पैरोविक एसिड से दूसरा बनता है लैक्टिक एसिड जिसमें प्लस एनर्जी होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में इसका रिक्वायरमेंट होता है। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट है, विथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी रिजल्टेंट निकलता है और ये प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये ह्यूमन रिस्पिरेशन मेन होता है। जैसे कि बताया कि 2 टाइप ऑफ रिस्पिरेशन होता है, एनारोबिक और एरारोबिक रिस्पिरेशन होता है। एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन और एरारोबिक रिस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन होता है।